गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन प्लेयर्स, जहां हम बात करते हैं फैशन डीआईवाई लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज तक मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, फैशन की, ब्यूटी की, डीआईवाईज की, बट मैंने अपनी कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अपनी रक्षाबंधन लुकबुक शूट कर रही थी, तो उसी टाइम पे मेरे मायके से कुछ सामान आया। हमारे यहाँ पर सावन के महीने में तीज के लिए कुछ सामान आता है, जिसको बोलते हैं कोथली। तो आज मेरा वो सामान आया, तो मैंने सोचा कि अब आप सब मेरी फैमिली का पार्ट हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि क्या क्या सामान आया है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं एक व्लॉग शूट करूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। आज डेट है 19 और डे है संडे। होप ये ब्लॉग जो है शाम तक आ जाएगा, कोशिश करूंगी कि आज शाम तक आ जाए, अदरवाइज कल पक्का आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉग को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिठाई से, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है मिठाई से ही होती है। कोई भी अच्छा काम होता है वो मिठाई से ही शुरू होता है। तो ये जो तीज वाला फेस्टिवल होता है, इस पे जो मिठाई आती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो जो मिठाई होती है सिर्फ सावन में आती है, बाकी पूरा ईयर वो मिठाई कहीं भी नहीं मिलेगी। ये हमारे हरियाणा का ट्रेडिशन है, मायके से सावन में सामान आता है और वो मिठाई जो होती है वो जरूर आती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो मिठाई कौन सी है। ये है वो मिठाई जो स्पेशल सिर्फ तीज पे सावन के महीने में आती है, इसको बोला जाता है घेवर। ये हमारा ट्रेडिशनल घेवर है जो पुराने टाइम से बनता आ रहा है, काफ़ी टेस्टी होता है, राजस्थान में भी काफ़ी फेमस है। और ये वाला जो घेवर है ये हमारा है मावे वाला घेवर, खोए वाला घेवर। इस पर क्या होता है, घेवर बनाने के बाद उसके ऊपर खोए की कोटिंग कर दी जाती है। ये अब मतलब पिछले कुछ 5-6 साल से आने लगा है, 5-10 साल से। पहले सिर्फ यही वाला घेवर आता था। ये जो मतलब मिठाई होती है ना, इसका लोग वेट करते हैं कि कब सावन आएगा और घेवर बनना शुरू होगा और हम घेवर खाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सारे के सारे आ जाइए, मिलकर सारे खाएंगे घेवर को। तो देख ली हमारे यहाँ की स्पेशल मिठाई। तो मिठाई के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, फ्रूट्स भी काफ़ी सारे आए हैं। फ्रूट्स मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्या शेयर करने, आपको भी पता है क्या क्या फ्रूट्स होते हैं इस मौसम में। बनाना है, मैंगो है, डुगू की फेवरेट कीवी आई है, तो मैंने सोचा कि वो तो क्या शेयर करना। अब मैं दिखाती हूँ इस पोटली में क्या आया है। इसमें भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हैं ये चुलाई के लड्डू। ये भी विकांशी को, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, उसको हम प्यार से डुगू बोलते हैं, तो उसको बहुत पसंद है, तो उसकी नानी ने उसके लिए भेजे हैं। इसके अलावा आए हैं ये बिस्किट। बिस्किट के भी वो फैन है, एक्चुअली उसको मीठे में हर चीज़ पसंद है, मतलब उसको मीठा खाना बहुत पसंद है। तो ये बिस्किट भी स्पेशल बेकरी के देसी घी वाले बिस्किट हैं, ये भी आए हैं, ये भी उसको काफ़ी पसंद है। इसके अलावा आई हैं ये मीठी मठियाँ। मीठी मठियाँ भी इसी मौसम में सावन के टाइम में आती हैं, ये भी कोथी स्पेशल है। तो ये मीठी मठियाँ आई हैं, इसके 2 पैकेट्स आए हैं, एक ये भी है। इसके अलावा आए हैं ये गुड़ के शक्कर पारे बोलते हैं इनको, ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, इनमें सौंफ होती है, गुड़ होता है। ये मिठाई में शादियों वगैरह में भी बनाए जाते हैं, चाय के साथ, दूध के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये भी आए हैं, ये भी विकांशी को काफ़ी पसंद है। इसके अलावा आए हैं ये काजू। तो इतना सारा मीठा है तो साथ में कुछ नमकीन चाहिए, जब बहुत मीठा हो जाएगा तो हम 1-2 काजू खा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई खाने की चीज़ें। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ कपड़े में या फिर और क्या चीज़ें आई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खाने की चीज़ें तो हो गई हैं, अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये वाला सामान। ये बैग भर के सामान आया है, मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं आप लोगों के साथ ही ओपन करके शेयर करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही ओपन करने वाली हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। सामान दिखाने से पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको, विकांशी का बर्थडे आने वाला है ऑन 25 जुलाई, तो उसको विश करना मत भूलना। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप उसके बर्थडे का ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मैं ब्लॉग बना के डालूंगी। अब देखते हैं हम क्या क्या आया है। ये क्या है, ये है फुट मैट। ये चीजें एक्स्ट्रा में है, वैसे इनकी कोई जरूरत नहीं होती है, तो अगर आई है तो मैं दिखा देती हूँ। 2 फुट मैट है ये, पीछे से रबड़ में है और आगे से इस तरीके के हैं। एक्चुअली मम्मा को अगर कुछ भी पता चलता है मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे भेज ही देती है किसी ना किसी बहाने से।
तो सबसे पहले ये चीज़ थी, मुझे अनएक्सपेक्टेड थी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये कांशी के लिए आया है बैट बॉल, उसके पास है स्टिल, फिर से भेज दिया है, येलो कलर में है। उसके बाद हम क्या खोलेंगे, कांशी की ही दिखाती हूँ, कांशी की ड्रेस आई है, ओपन करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये फर्स्ट ट्राई से मंगवाई है मम्मा ने, बेबी हग की ड्रेस है, बर्थडे वाले दिन पहनाऊंगी मैं उसको, सुबह पहना दूंगी, बाद में दूसरी ड्रेस है उसकी। इसमें ये टॉप है, स्ट्राइप्स प्रिंट है इसमें और स्टार्स बने हुए रेड कलर के, काफ़ी प्यारा है, इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं या फिर शॉर्ट्स वगैरह के साथ भी डाल सकते हैं। और साथ में ये रेड कलर की स्कर्ट है, और स्कर्ट भी काफ़ी प्यारी है, छोटे बच्चों पे इस टाइप की ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं, बैक से फ्रंट से प्लेन है, तो ये कांशी की ड्रेस सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है, तो ये है इसमें, मतलब जो लड़की होती है उसके मायके से जो सामान आता है तो उसका सामान तो आता ही, उसके बच्चे का भी आता है, साथ में उसकी सास का भी आता है। तो ये यहाँ वाली मम्मी के लिए सूट है, मेरी सास का सूट है, मेहंदी कलर में सूट है, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, देखिए। मम्मी को सोबर चीज़ें ही पसंद हैं, तो इस टाइप की चीज़ें ही वो पहनना पसंद करती हैं। ऑल ओवर ग्रीन कलर में ही है, मेहंदी ग्रीन कलर में, और वैसा ही दुपट्टा है, मेहंदी ग्रीन कलर का ही दुपट्टा है, प्योर कॉटन में सूट है ये। चलिए इसको भी रख देते हैं। उसके बाद मेरे लिए क्या आया है देखना चाहोगे, चलो दिखाते हैं। मेरे लिए आया है एक लहंगा, लहंगा इंस्टाग्राम से बनवाया है मम्मी ने, मैं इसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ से परचेज़ किया था, बहुत जल्दी हॉल वीडियो बनाऊँगी तो उसमें शेयर करूँगी, अभी सिर्फ देख लीजिए। ये है इसका फ्रंट ब्लाउज का, स्टिच्ड है, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके ऊपर, और स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और ये है बैक, बैक में बो बना हुआ है, ठीक है, येलो कलर में, मस्टर्ड येलो कलर में है, और इसके साथ है दुपट्टा, दुपट्टा जो है वो नेट का है, और नेट में इस टाइप का बॉर्डर और बूटियां बनी हुई हैं, सुंदर है दुपट्टा भी, काफ़ी सुंदर है। बाकी तो एक्चुअल लुक तो आप लोगों को कभी मैं पहन के दिखाऊंगी तब पता चलेगा, कि बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी इसको। उसके बाद है इसके साथ का लहंगा, लहंगा जो है वो स्कर्ट है, मतलब बॉटम, ये है डार्क ग्रीन कलर में, पीच पे जो ग्रीन कलर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है, तो मम्मा ने शायद यही सोच के इसको ग्रीन कलर का बनवाया है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको लहंगा, स्कर्ट खड़ा होकर खड़ी होकर दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से है, फैब्रिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी फैब्रिक है, बॉटम में ये सीक्वेंस टाइप का मिरर वर्क हो रखा है, और जो घेर है इसका वो भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं, देखिए इतना ज़्यादा घेर है, और नीचे इसमें केन केन भी लगी हुई है। इसके स्टोर का डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दिखा दूंगी, इसमें केन केन भी लगी हुई है, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी लहंगा, ठीक है। इसके साथ मैंने एक दो ड्रेस मैंने भी मंगवाई थी उस स्टोर से, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा आई है ये पैंट शर्ट, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब कोई स्टिच तो करवाता नहीं है, एक फैब्रिक होता है पैंट शर्ट का, इसको कोई या फिर सलवारी सूट कॉट पैंट वगैरह कोई सिलवाना चाहे तो सिलवा ले, यहाँ पे कोई नहीं सिलवाता है, बट फॉर्मेलिटी के लिए शगन के नाम पे आता ही है ये, हर बार आता है। तो इसके बाद देखते हैं, कपड़े वगैरह ख़त्म हो गए हैं, मैं कुछ ज्वेलरी है शायद कुछ बैंगल्स वगैरह हैं वो दिखा देती हूँ, ये बैंगल्स, इसमें है बैंगल्स, ऐसा तो मुझे पता ही है कि मम्मा ने क्या क्या भेजा है, तो दिखाती हूँ मैं आपको, बैंगल्स हैं ये, मेरे लहंगे के साथ हैं, कड़े हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, और इनके साथ ही ये येलो कलर की बैंगल्स हैं सेट बनाने के लिए,
इनको पेयर करके सेट बना लूँगी मैं, ग्रीन और येलो का लहंगे के साथ अच्छे से मिल जाएगा। उसके साथ है ये नेल पेंट, ये भी येलो कलर की है, नेल पेंट है। उसके बाद हैं कुछ बिंदी के पैकेट्स, ये सिंपल वाली प्लेन वाली बिंदी है, एक पैकेट और भी है। इसके अलावा फेस्टिवल्स पे यहाँ पे मेहंदी लगाना काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो मेहंदी की कीप भी हैं, दो तीन हैं, और एक और भी बिंदी है लहंगे के साथ ग्रीन वाली, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग। उसके बाद ये मम्मा ने अपने लड्डू के लिए भेजी हैं, पिंस हैं, हेयर पिन, अभी मिलवाऊंगी मैं आपको विकांशी से, अगर उसने मिला तो कोशिश करूंगी। ये भी उसके लिए पिन है, ठीक है। तो और देख लेते हैं हम और क्या है, और इसमें भी बैंगल्स लग गई हैं, बॉक्स को देख के इसमें भी बैंगल्स हैं, ग्रीन कलर की बैंगल्स हैं, ये मम्मी के सूट के साथ हैं, वो इसी टाइप की बैंगल्स को मिलते हैं प्लेन। फोन देखते हैं क्या है, एक पैकेट बच गया है, ये है, इसमें क्या है एक देख लेते हैं, ये भी ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, बबल रैप में है, शायद ज्वेलरी है। पैकिंग तो ऐसे हो रखी है जैसे तो पता नहीं कांच का सामान हो, नहीं बट ज्वेलरी ही है, इस टाइप के बॉक्स में ज्वेलरी है, दिखाती हूँ। मैं डिटेल्स वगैरह पूछ के कहाँ से कौन से स्टोर से मम्मा ने मंगवाई है तो एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, और अच्छे से आपको इनकी क्वालिटी वगैरह के भी रिव्यूज दे दूंगी। तो ये नेक पीस है आई थिंक, हाँ ये नेक पीस है, ये ऐसे वाला वो स्मॉल वाले नहीं होते बिल्कुल चोकर काइंड ऑफ, वैसे वाला नेक पीस है, ठीक है। और ये इयर रिंग्स हैं, एक पैकेट और है, ये तो बड़ा वाला नेक पीस है, ऐसे डालने वाला। और ये थी सारी ज्वेलरी, तो मैंने दिखाया आप लोगों को, शेयर किया आप लोगों के साथ कि मेरे मायके से क्या क्या आया है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और तीज पे कैसे रेडी होना है, कैसे ड्रेसिंग अपनी रखनी है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।